भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज, तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे, हमने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, काली पैंट और लाल कमीज पहनी होगी, भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे। बहुत प्यार है हम दोनों में, सब में ही प्यार है। अब थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई है, पानी और टिश्यू दोनों, एंड यू कैन, या थैंक यू, मैं ले लेती हूँ। तूने नाक पोछी इससे? नहीं पोछी तो क्या ही मजे। नो, हो गया, इट वाज अ पासिंग फेज गाइस, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, ओके, गेट ऑन विद योर लाइव्स। नाक नहीं पोछी, पसीना तो पोछा होगा। सॉरी लेट हो गया बताना। काफी लेट। क्विकली हैव द बर्थडे केक फॉर द मैन ऑफ द मोमेंट। सर खिचड़ी का बनाया हुआ है केक है, खा लेंगे। अरे प्लीज मत, मैं असहज हो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा रहेगा आप ना कटवाएं। मैं थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए, बट ना कटवाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मैं असहज हो जाता हूँ, मैं बहुत नीप थोड़ा। प्लीज पुट हैंड्स अप टुगेदर फॉर द हनी ऑफ अ मैन मिस्टर पुलकित सम्राट। What's up? Thank you. This is our mutual admiration Absolutely. Society. Thank you everybody for coming here for Fukre 3 trailer, yeah, and for making it impossible for us to hear the dialogues because of your screams and your whistles. Thank you so much. Please, let's call the next one. No, I have a question for you before we call okay. The next one. Let me jaldi se, matlab we're not going to get rid of. So, hey, good job. First question that I have for you. Is aapki khoobsurati ka raaz? What is this Benjamin Button thing going on? Chuchega pyaar! ये मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत एक दूसरे को मलाई वलाई खिला विला के प्यार किया होगा। This is that result. You have said this 5 seconds. 5 seconds later. Oh, अच्छा ये बात है, अच्छा ये समझ में आ गया भाई, नॉन वेज चल रहा है यहाँ पे। नो बट ऑन अ सीरियस नोट आई वांट टू आस्क यू, 10 साल पहले ये कैरेक्टर लिखा था हनी, एज एन एक्टर इन ऑर्डर टू मेक अ कैरेक्टर बेटर विद द मूवमेंट ऑफ टाइम, व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू डू डिफरेंटली, हाउ डू यू नीड टू मेक इट मोर रेलेवेंट विद द टाइम्स दैट आर देयर, बिकॉज़ ये 2013 की बात है एंड ऑफ कोर्स इट वाज बिफोर दैट आल्सो। You know what's one of the best things about Fukre as a franchise, even the first Fukre is not stale today after 10 That's years true. And that is why our characters are still there and they still connect with people, and we are really sab mein se mere khayal se the cast and crew of this film, we all are the biggest fans of Fukre, and we just make sure ki agar hum ek aur part ke sath aa rahe hain, so we justify what we have done so far, and we ourselves would be disappointed agar aisa nahi hoga to. Apart from that, this man doesn't give us any choice, the James Cameron of Excel. He doesn't give us any choice, so we have to really be putting best foot forward. Oh, every time there is Fukre ka some news coming up or there's something on the phone and you're like really excited, I'm going to get the moment to reunite with my OG gang. Yes, how, what is your excitement like when you get to know? Oh, that is very exciting. Good job. Yes, good job. Yeah. तो मुझे दिख नहीं रहे, बट आई लव यू टू, थैंक यू। यू नो द एक्साइटमेंट इज ऑलवेज रियली रियली हाई अलॉन्ग विद द नर्वसनेस, क्योंकि हम लोग सिर्फ कोस्टार्स नहीं है, वी ऑल हैव बिकम फैमिली नॉट ओवर द इयर्स, जस्ट विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इट वॉजेंट इवन की सेकेंड पार्ट में जाके फैमिली बने या थर्ड में आके बने, वी ऑल नो वॉट वी लाइक टू ईट, वॉट वी लाइक टू डू इन अ फ्री टाइम्स, वी कीप कॉलिंग ईच अदर फॉर अर ग्राउंडिंग, अगर कभी कोई स्ट्रेस होता है, कोई एडवाइस भी होती है, तो हम सब एक दूसरे को कॉल करके, वी आर लाइक फैमिली, वी आर फैमिली एक्चुअली, दैट्स व्हाट, दिस इज अ मैच मेड इन हेवन। हे सटल प्लगइन्स, कैन वी प्लीज क्लैप नाउ, यू कैन से पुलकित, से पुलकित ट्वाइस, 6 बार हो गया, बट कोई बात नहीं, मैच का अचार डाल देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच पुलकित, यू कैन टेक योर सीट देयर एंड वी कैन कॉल अपॉन one of the biggest characters, I think the most remembered, memorable characters. You know what's the best part today? मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, best part ये है कि आज
केवल चूचा नहीं है, वीना आंटी आई है. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर वीना आंटी, जो चूचा की मम्मी जी हैं. कैन वी प्लीज 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 क्लैप. आई ऑल्सो हैव क्वेश्चंस फॉर वीना आंटी. मैं पूछना चाहती हूँ क्या मतलब, आइए मैम. मैं सिर्फ ये पूछ रहा है कि कभी आप रास्ते पे निकल गए तो कह रहे हो यार चूचे की मम्मी जा रही है. ये तो हुआ था. मैं जॉब करती थी, जलंधर में थी, और 2013 में ये पिक्चर आई थी. तो जब मैं इवनिंग वॉक करने जाती थी तो आराम से सब नॉर्मल होता था. इस पिक्चर रिलीज होने के बाद बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, ओए फुकरा मम्मी चूचा मम्मी, चूचा मम्मी फुकरा मम्मी, ये कहना शुरू कर दिया. चूचा मम्मी तो सब ठीक लगता था, बट फुकरा मम्मी ना जो उन्होंने बोला तो मुझे लगा यार मैं तो वैसी नहीं हूँ, आई एम अ वेरी सिंपल लेडी. प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू बस दो सॉरी, क्योंकि मुझे ये आज प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं यहाँ पर मृगदीप लांबा सर को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि सर आपने इसको संवारा तराशा तो ये चूचा करेक्टर इतना अच्छा निकला कि मेरे बेटे को पहचान मिली इसी करेक्टर से, इसी करेक्टर से. थैंक यू सो मच आंटी, आप हो फुकरा मम्मी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. कम अब कोई टिश्यू भी दे दो चूचे को प्लीज, ये ईमो हो गया है. चूचा हैज नो रिस्पाइट. चूचा प्लीज कम, कैन वी प्लीज क्लैप फॉर चूचा, यानी कि वरुण शर्मा. थैंक यू यार, क्या हाल है फुकरो. बर्फ कौन कौन निकालेगा अब. बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. मेरे लिए जेन्युइनली बहुत इमोशनल मोमेंट है फुकरे. थैंक यू यार, गुड जॉब. बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट है बिकॉज फुकरे के साथ डेब्यू हुआ था. इस जो बचपन से मन था करने का, जो बचपन से सपना था करने का, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी जो नींव है वो चूचा है, वो फुकरे है. थैंक यू मृग सर, आई लव यू. थैंक यू सो मच रितेश सर, एक्सेल फरहान सर. थैंक यू सो मच विपुल सर फॉर राइटिंग इट. थैंक यू सो मच यार एवरीवन. और आज तीसरा पार्ट आ गया भाई, 10 साल हो गए यार फुकरा बंदी करते करते. क्या बात है. इस बात पे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज दोबारा करना चाहूंगा जिससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज. तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे. हमने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, काली पैंट और लाल कमीज पहनी होगी. भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे. वरुण आपका सवाल का पूछने का क्वेश्चन टाइम ही चला गया, मैंने सारा वैसे बोल दिया. ऐसा कुछ नहीं है. आप चूचा आप बोल रहे हो क्या? You're a chuchas, all right. You're going to be chucha for the rest of our life, and we're going to remember you for that as well. Santa Claus के सबसे favorite बच्चे हो आप, basically, हाँ. जब देखो तब कोई ना कोई वरदान extra आपको मिलता ही रहता है. कभी कभी ड्रीम्स देख लेते हो, कभी कुछ. इसमें हमने थोड़ा बहुत कुछ, वी थॉट वी नो इट, बट यू वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज द गिफ्ट दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय चूचा इन दिस. सांता क्लॉज का फेवरेट बच्चा तो हूँ, वो गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन अगर मैंने गिफ्ट अभी बता दिया ना तो ये दोनों मेरे फीते काट देंगे. जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है, डायरेक्टर साहब है, यू विल हैव टू से द बॉम्बे क्राउड. फीते क्या होता है हम, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएंगे. जो ऊपर होता है इंच टेप नहीं भाई, लेसेस. तो बट बहुत ही अतरंगी गिफ्ट है, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही इनोसेंट गिफ्ट है. एंड जैसे पहले भाग में सपने थे, दूसरे भाग में देजा चू था, इस बारी बहुत अतरंगी कुछ होने वाला है. लेकिन अगर आप देखो चूचे को गिफ्ट मिला है सेंटा क्लॉज की तरफ से, तो चूचे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना, उसको भी 28 तारीख को खोलने दो ना अपना गिफ्ट. वरुण शर्मा इतने क्यूटली बोलते हैं कुछ, हाँ ठीक है सब सही है, आपको मेरा घर चाहिए टेक इट, आपको मेरे वसीयत में नाम, जस्ट टेक इट एंड गो. थैंक यू चूचा, कैन वी प्लीज क्लैप फॉर चूचा वंस मोर. थैंक यू गाइस. चूचा एक और सवाल है चूचे के लिए. वैसे
मुझे ऐसा लगता है कि चूचा इतना इंट्रेंसिक पार्ट है ना आपके जीवन का, ऐसा है क्या? मतलब जो चूचा के ट्रेड्स हैं पता भी नहीं चला आपको और वो आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेड बन गया, चिपक गया बिल्कुल? चूचा की पर्सनैलिटी का ट्रेड जो मेरी असल जिंदगी की पर्सनैलिटी का ट्रेड बना, वरुण, आई थिंक मैं काफ़ी, मतलब हर इंसान जैसे सोचता है, काफ़ी चीज़ें प्लान करता है, ये होता है। आई थिंक एक चीज़ जो मैंने चूचा से सीखी है वो है हर सिचुएशन में खुश रहना। राइट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज़ों में खुश रहना, जो कि चूचा हर कोई भी स्थिति हो वो खुश रहता है, तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करी है। प्रॉब्लम है उसमें भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसमें भी खुशी ढूंढो, और उसके बाद जश्न मनाने में तो खुशी है ही है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच वरुण, आई थिंक दैट्स अ लवली आंसर। बहुत ज्यादा प्रोफाउंड नहीं बोल दिया? चूचा भी तो बड़ा हो गया ना जीवन में। नहीं नहीं नहीं, उतना ही है अभी भी, वैसे ही सेम। चूचा की बारी आ चुकी है, चूचा इज टेकिंग अ सीट। वरुण शर्मा, कैन वी प्लीज प्लीज क्लैप फॉर वरुण शर्मा गाइस, थैंक यू। देखिए वरुण शर्मा इतने शाइन नहीं कर पाते अगर ये जो आदमी है चार चांद लगाने नहीं आ जाता पर्सनालिटी पे। नाम है इसका लाली, कैन वी प्लीज बजाओ ताली। ओ लाली, ये अच्छा था, लाली के लिए बजाओ ताली। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए हमारी फिल्म को और इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। Manjot, you are beautiful with your comic timing. ये तो केवल एक compliment है। The other thing that I want to talk about is, धीरे धीरे से viewers कह रहे हैं, lots of people keep saying, आप Jimmy Shergill बनते जा रहे हो। पहली picture में girlfriend नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, हैं? अब तीसरे में मिलेगी या Jimmy बन जाएंगे आप? ये असल जिंदगी में उसका opposite है, आपको पता नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, we are very happy for you। पर्सनल लाइफ रियल लाइफ अलग रखते हैं, रियल लाइफ में आई थिंक मजा वही है, जैसे एज चूचा सेड 28 को जब खुलेगा ना सब कुछ, जो तोहफा आप लोगों के लिए जो तोहफा हमने क्रिएट किया है, तो वो जब आप खोलोगे, आप जब वो देखोगे आपको तभी मजा आएगा, अभी बताने से फायदा नहीं है। देखिए ये भी बात है कि इस ट्रेलर में तो दिखाई दिया ही है दैट देयर इज ऑलवेज इज वन अप दैट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड चूचा, ऑलवेज राइट। ये रवीना कौन है यार, ये बीच में से रवीना कहां से निकला? रवीना कहां है, कौन है? अच्छा ठीक है, रवीना के बाद बारे में फिर से यू विल टॉक अबाउट दैट। मंजोत, द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, ये वन अप ये जो चलता रहता है, ये फुकरे 3 में डू यू थिंक दिस वन अप इज गोइंग टू बी टेकन बाय यू बाय द एंड ऑफ इट, मतलब यू आर गोइंग टू बी अहेड ऑफ द गेम विद चूचा जो चलता रहता है छोटा बहुत? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं हम यार भाई हैं यार। ओह बहुत प्यार है हम दोनों में, आई थिंक सब में ही प्यार है। हाउ हैप्पी आर यू विद दिस फिल्म दैट्स कमिंग आउट ऑन द 28th ऑफ सितंबर? यार मैं कल से ढंग से सोया नहीं, एंग्जायटी, नर्वसनेस, एक्साइटेड, आई थिंक मैं एंग्जायटेड हूँ, एंग्जायटी और एक्साइटेड का तो ये बहुत चल रहा है अभी दिल में दिमाग में। मैंने सही बोला ना, कुछ गलत तो नहीं? थैंक्स, दिस डायलॉग इज गोइंग टू बी टेकन इन फुकरा 4 फॉर श्योर। ओह यस, कैन वी प्लीज प्लीज पुट अ हैंड, लोग इतना प्यार देना प्लीज इस फिल्म को कि फुकरे 4 भी उनके माइंड में आए और वो जल्दी बनाए प्लीज, मैं तो चाहता हूँ आए 110% एंड विद दैट कैन वी प्लीज पुट अ हैंड्स अप टुगेदर फॉर मंजोत सिंह और लल्ली के लिए बजाओ ताली। प्लीज टेक अ सीट, थैंक यू। Can I call upon the next person, जिनके बिना ये तो कुछ ही नहीं है। फुकरे 3 क्या? Nothing at all, nothing. I want to talk so much about this girl, so much. She's wild, she's raging, she's lovely, she's so hot, she's so wise. अभी ऐसा लग रहा है कि partial हो गई हूँ मैं, बिल्कुल biased, but can we please put our hands up together? वो भोली पंजाबन जी, रिचा चड्ढा। Richa, you're looking fantastic tonight. We love you, Richa. Tonight नहीं वैसे, evening है वैसे। Love you. उससे थोड़ा दूर रहना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार उससे बोले यार उसने। मुझे शक हो रहा है। पुलकित को बड़ी जलन हो रही है, मेरी बड़ी नहीं है उसकी नहीं। मैं अली की ड्यूटी पे हूँ इधर यार। Richa, sweet, very sweet. I don't know what to say about this. We're missing Ali, but definitely we want to talk about this question. I think जितने सारे villains play किए हैं हमारे पूरी Indian cinema में, which are fantastic, OGs हैं, you are added to that list. And we're very happy that you are. आपके favorite villain हिंदुस्तानी cinema में जो आपने देखे हैं, कौन है आपके favorite villain? तो आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं जवाब
मतलब सवाल नहीं, आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इन एनी कैरेक्टर दैट लास्ट एंड मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन पीपल इट्स ऑलवेज द राइटिंग. सो विपुल विग इज सिटिंग हियर, हर राइटर मृगदीप फुकरा ओरिजिनल लुकिंग अवे, ही कांट वेट टू लीव फ्रॉम हियर एंड गो टू द मिक्स सो ही कैन डिलीवर द फिल्म ऑन टाइम. ये हमारी सच्चाई है. बट विदाउट राइटर्स इट्स नथिंग, नो कैरेक्टर कम्स. बिकॉज जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग भोली के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भोली चिड़िया नहीं चील है, कॉफिन में आखिरी कील है, यू नो इट्स वेरी लिरिकल इन अ नाइस वे. और मेरी खुशकिस्मती कि ऐसा मुझे किरदार करने को मिला. एंड इट्स रियली ट्रूली प्रोग्रेसिव राइटिंग कि इन्होंने फीमेल कैरेक्टर लिखा है, लेडी डॉन. And that also in 2013, that was before. Like, and I think that deserves a huge round of applause as well. Film mein, jaise ki humne dekha hai na, Bholi is always against the boys. How exactly is it offset? No, we are all one very happy family, ji. Fabulous, ji. बहुत ही अभी अब है तो है. We become friends. Actually, हम सब के लिए वो शुरुआती दौर में पहली या दूसरी फिल्म थी. We were all learning. We were all new. इंस्टाग्राम वगैरह ऐसा नहीं था जैसा अभी है, तो हमारी दोस्ती बहुत असली और पक्की थी विदाउट गिविंग ईच अदर शाउट आउट्स ऑन स्टोरीज. बट वीव हंग आउट अ लॉट, बहुत सारे खाने साथ में खाए हैं, बहुत सारे गम बांटे हैं, बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है. एंड माई विश इज़ दैट एवरीबडी गेट्स टू डू एटलीस्ट वन फिल्म इन देयर लाइफ वेयर दे कैन मेक फ्रेंड्स लाइक दिस. सो स्वीट. थैंक यू. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर भोली पंजाब एंड और वृचप चड्डा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आप थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई हैं. पानी और टिश्यू दोनों. एंड यू कैन या थैंक यू. मैं ले लेती हूँ. तूने नाक पोछी इससे? नहीं पोछी तो क्या ही मजे. नो हो गया. इट वाज अ पासिंग फेज गाइस. रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है. ओके, गेट ऑन विद योर लाइव्स. थैंक यू. नाक नहीं पोछी, पसीना तो पोछा होगा. सॉरी लेट हो गया बताना. काफी लेट हो गया. थैंक यू सो मच रिचा चड्डा. यू कैन टेक योर सीट. आई एम गोइंग कॉल अपॉन द पर्सन जिन्होंने यार मेरा बड़ा मन कर रहा है नाच लूं बिल्कुल. यार मैंने पागल हो जाना है. ठीक है, व्हेन आई कॉल हिम ऑन स्टेज आई एम गोना गो क्रेजी. We love you, Pankaj Tripathi. थैंक यू. ये बताओ कि सीटी घर से लाए हो कि गेट पे मिला है? गेट पे बटा है ना सीटी. वाइल वी आर एट इट, अगर हम हमारे विसल्स को थोड़ा सा साइड में रख लें, हम तालियां बजा के प्लीज पंकज सर को मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहते हैं बिकॉज ही इज वन रिसेंटली वन द नेशनल अवार्ड फॉर अ सपोर्टिंग एक्टर इन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फिल्म कॉल्ड मिमी. Of course, Pankaj sir, whenever he graces the screen, we cannot forget the character that he plays. And, तुम लोग steal करो मेरी limelight. Happy birthday, Pankaj! कहने वाली थी ना? Undo कर दो उसको. Can we please say happy birthday to Pankaj sir? Happy birthday, Pankaj sir! अच्छे से गाएंगे, केक भी काटेंगे, लेकिन अभी फुकरे 3 के बारे में क्यों? धन्यवाद. पंकज सर खुलासा कीजिए पहले तो. पंकज सर साल में दो बार बर्थडे बनाते हैं, एक आज और एक 28 को जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी. असली वाला उसी दिन है 28 को. वैसे मैं कभी नहीं मनाता हूँ, ना ये ना वो. मुझे उतना रुचि नहीं है इस कॉन्सेप्ट में. थैंक यू, आई लव यू टू. पंकज सर
पंडित जी का जो कैरेक्टर है उसे यस जिंदाबाद वन सेकंड वन जिंदाबाद जिंदाबाद भाई बोली पंजाबन और चूचा थे इलेक्शन में आपने इनको ही खड़ा कर दिया पंडित जी के साथ ये जो हाँ बहुत बढ़िया हाँ हाँ नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमारा नेता कैसा हो पंकज जी जैसा हो दैट्स करेक्ट सर ये जो अटैचमेंट है पंडित जी के साथ में हमारा तो बहुत सारा है आपका अटैचमेंट कितना है मेरा भी उतना ही है जितना आपका है ठीक है सर हो गया मेरा काम नहीं नहीं उससे थोड़ा ज्यादा है इनसे क्योंकि फुकरे वन में पंडित जी एक मुश्किल से उस कैंपस में जहाँ ये दोनों आना चाहते थे उसके चौकीदार थे गेट के तो 8-10 सीन का रोल रहा होगा वहाँ से पंडित की जर्नी है कि पंडित ने बाध्य किया विपुल को और मृग को कि मुझे और लिखो लिखते लिखते अब पूरी फिल्म में बिखर गया तो एक गेटकीपर पर बैठने वाला दरवान धीरे धीरे पूरी फिल्म में दरवानी करने लगा तो खास जर्नी है ये सर ये हमारे जितने पंकज त्रिपाठी फैंस हैं विच इज एवरीबडी हु वॉचेज योर फिल्म्स वो हमेशा ये कहते हैं आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही माशाल्लाह वेरी नाइस आप जिस प्रकार से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं राज जो है वो ज़रा हमारे जितने व्यूअर्स हैं जितने आपके लवर्स हैं फैंस हैं उनको प्लीज़ बता दीजिए कोई राज नहीं है बस खिचड़ी खाता हूँ सेट पे रोज तो पेट शांत रहता है तो दिमाग भी सही रहता है फिर लाइन भी सही डिलीवर हो जाती है नहीं जेन्युइनली मतलब ये सही आंसर है मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ खिचड़ी ही खाता हूँ 300 दिन शूटिंग में जितना दिन भी रहूँ सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी कैन यू प्लीज हाँ वो अच्छा पंच लैंड किया है ना बर्फ के गोले वाला मुझे भी हंसी आ गई देख के वो ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी के लिए कैन वी प्लीज प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर गाइस थैंक यू सो मच धन्यवाद थैंक यू अब हमने विपुल विक के बारे में इतनी बातें सुनी है अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते वो हो पाते सो एक एक करके आई वुड लाइक टू रियली रियली आस्क यू टू प्लीज पुट योर हैंड्स अप टुगेदर फॉर द पीपल दैट यू डोंट सी व्हेन यू वॉच द फिल्म बट दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द फिल्म कम ट्रू टू इट्स ग्लोरी टू द 10-year ग्लोरी दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुडे कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर अनिल थडानी AA फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर Can we please put our hands up together for Vishal Ramchandani, the CEO of XL Entertainment? Whoa. Can we put our hands up together for Kasim Jagmagia, the co-producer of XL Entertainment? Whoa. And can we please, please, please put our hands up together for the man called Vipul Wake, the writer, for Fukre 3. Can we also quickly have the birthday cake for the man of the moment? सर खिचड़ी का बनाया हुआ है केक है खा लेंगे अरे प्लीज मत मैं असहज हो जाता हूँ तो मुझे अच्छा रहेगा आप ना कटवाएं मैं थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए बट ना कटवाएं तो अच्छा रहेगा ठीक है सर मैं असहज हो जाता हूँ मैं बहुत नींद थोड़ा केक काट नहीं हम खा लेते यार मना कर दिया नहीं आप पीछे खा लेना सर आज आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात कह ली है हम बर्थडे केक नहीं हम घर जाके सब खिचड़ी खाएंगे नहीं मैं ऑलरेडी मोमोज खिला चुका हूँ सेट पे पूछो बहुत बहुत खुद खिचड़ी खा रहे हैं मोमोज बन के खिला रहे हैं कैन वी प्लीज प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर एवरीवन दैट्स प्रेजेंट हियर इंक्लूडिंग द मीडिया इंक्लूडिंग द ऑडियंस बट असली चीजें शुरू होती हैं अब हम आपसे पूछेंगे वी विल टेक दिस मोमेंट सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस This entire set is open for the media Q&A. मेरा सवाल रितेश जी से सबसे पहले है आज से 10 साल पहले आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे उसके बाद जितने भी आपने फुकरे 2 बनाई 3 अब जो भी आ रही है लेकिन उस समय आपके ओवर कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी आपके पास एक टैलेंटेड टीम थी लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग को लगा था हल्की पुल्की फिल्म होगी लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी किया और बहुत अच्छी लगी लोगों को जबान पर चढ़ गई अच्छा शुक्रिया लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था क्योंकि आपने हम लोग को कहा था नहीं नहीं कि हम नहीं नहीं आई सेड वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट
जब मृग ने कहानी लिखी थी एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस, अगर आप कहानी को आज भी देखोगे यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म अगेन. एंड आई थिंक वो जो दो लड़कों के जो हनी और चूचा के जो एम्बिशन थी, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका एक एम्बिशन था, मतलब क्या था, एक सिंपल था कि हमें कॉलेज में जाना है एंड दे डिडंट हैव द नेचुरल स्किल एंड दे फिगर्ड आउट अ वे एक जुगाड़ करके, राइट. सो आई जस्ट फील दैट वॉट एवर देयर एस्पिरेशन वॉज जो उनके थे वॉज वेरी रिलेटेबल. Like and I could identify because it took me back to my college days when it was aspirational for to going to a college in South Bombay. I went to a school in Juhu here. I don't think I remember Kasim and me were in school. Most of the people would go to the colleges which was Mitibai all around to travel to South Bombay. It wasn't there. I don't think besides me and one two other kids who aspired to do that. So I'm just trying to give you a comparison. The minute usne jab script bheji hame and he narrated to us. There was an instant relatability to it. I know it was small that time ki yaar ye kya hai, but somewhere again, like maine jab inhe pehle bhi kiya, jab Dil Chahta Hai likhi thi, it was a similar way ki you could identify with it and it feel real. And that's what happened. And I'm really glad ki it went on to becoming a franchisable film for us. Mera sawal director se bhi hai. लामा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे इतने तगड़े राइटर हैं, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना, कितना डिफ़िकल्ट था फिल्म बनाते हुए? देखिए, शुरुआत तो अंदर से ही होती है, तो हम ही खुद इतने इनोसेंट हैं कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीज़ें लिख नहीं सकते. सो बट सी, इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक क्लीन, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ देखी जाए. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी आफ्टर 10 ईयर्स ये ब्रांड जो है, मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है इज़ वाइड. इट्स नॉट लिमिटेड टू अ सर्टन सेक्शन. सो अगेन वही था आइडिया, यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, ईजी भी होते हैं. मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े ईजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट, क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है. तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है. सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की. थैंक यू. रितेश, Hi, Dr. Russell here from PTI. Hearty congratulations for the trailer. Obviously, this is one of the most loved franchises in India. What I would like to ask you, from putting a producer's hat on, we have recently seen, after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in 1 month. Gadar 2, Oh My God 2, Dream Girl 2. Now, Fukri 3 is coming and it looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now, would feel that sequels are a much safer bet for the audience? I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them. But I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made. And you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense, but you have to deliver. And there are some films you should just leave aside. You've created a certain mark, and if you're not 100% sure about it, don't attempt it, because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing, you know. So there is a sense of an urgency created that I want to go and I'll mark a date and I want to consume them in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with the group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming it. Varun bhai, mera sawal aapke liye bhi ek hai. Varun, comedy mein aapko pata hai, maine pehle bhi kaha hai ki you are like the new age Govinda. You are so good in comedy. Thank you, thank you so much. So Varun bhai, when you return to a character like Chucha, but you leave an impression, whether it's Chucha, whether it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha,
इस डे आर्ट फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट यू नो रॉ है तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं बट नाउ व्हेन यू आर गोइंग इट इट हैज दिस बिग बिल्ट इन फैन बेस तो थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती है कैसे मैं वो लेवल मेंटेन रखूं 100% आती है भाई आई थिंक जो आपने बोला जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम ऑब्वियसली बहुत रॉ थे पता नहीं था जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी कुछ भी नहीं पता था मिरिक्स और मैं हम लोग बैठते रहते थे रीडी करते रहते थे रिहर्स करते रहते थे प्रोसेस सेम ही है अभी भी बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं एज वाइज आप बड़े हुए हैं मेच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं काम का एक ग्राफ गया उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3 आई थिंक विच कलेक्टिवली मिरिक्स और हम बैठ के कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को उसको अनलर्न करना बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था कुछ एकदम रॉनेस थी और खुल के बस आप कर रहे थे तो वही चीज़ को वापस सेकेंड पार्ट में भी लाना और वही चीज़ को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना तो आई थिंक अनलर्न वॉज द प्रोसेस फॉर मी इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस टाइम हेलो हाय आई एम ग्रेस हाय सो ट्रेलर लुक्स वेरी अमेजिंग ऑफ कोर्स माय क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू ट्रेलर में तो बहुत मस्ती देखा बट सेट्स पे क्या मस्ती किया क्या प्रैंक्स किया ऑल्सो डिड यू मिस अली फजल वी ऑलवेज मिस हिम यार जब भी याद आती है मिर्जापुर देख लेते हैं बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर क्योंकि हमारी लोकेशंस एंड द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स दैट वी एक्चुअली शॉट इन वी हैव शॉट फॉर रेंजिंग फ्रॉम लाइक -20 degrees टू 49 degrees टू 51 degrees इट्स बीन अ मैडनिंग एक्सपीरियंस शूटिंग दिस वन एंड इट हैज़ ओनली बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मैग्निफिसेंट क्रू एंड द टीम दैट वी गॉट चाहे वो स्पॉट टीम हो चाहे वो लाइटिंग टीम हो चाहे वो कैमरा टीम हो चाहे डायरेक्शन टीम हो किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक एक इंसान सब के सब दैट एरिया वे वी क्लाइम्ब्ड डाउन ऑलमोस्ट 2000 feet टू शूट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस वहाँ पे सब एक एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था वी आर ऑल ऑफ अस हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली एज अ यूनिट And that just makes it very easy for us. And the love that जो trailer में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है so many folds of it. I feel it just ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म उनको present करें तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए Hello Pankaj sir. Hi. This side. This side. ये पंडित जी आई एम दीपक पांडे फ्रॉम भारत 24 मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो बहुत लोगों को आपको भी माता पिता को टीचर्स को डायरेक्टर्स को राइटर्स को उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए तो बहुत लोग हैं किसी एक व्यक्ति की सफलता में यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है तो उन सबका आभारी हूँ मैं हेलो हाय फॉर मोस्ट ऑफ अस फुकरेगिरी बिगिंस एट स्कूल एंड आई सी अ लॉट ऑफ एजुकेशन एट स्कूल आउट हियर इज देयर अ फुकरे मोमेंट दैट वन ऑफ यू और मोस्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव पंकज जी आप एंड रिचा The Fukre boys and Ritesh, especially to you two. Yes, there's a Fukre moment that you would like to share. It began at school. इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे? हाँ, बताने लायक कौन से? I've heard a lot about you. Oh my God! Teacher's Day, I think, will be very relevant if you could share a message to your teachers about how's it. How's the journey been from then to now? You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking and it's a, is, you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I recently was, I'm talking about a few years ago, went to his school. And the only thing his teacher told me is that
whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what we'll make out of your child in school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So my everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers, you start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. हेलो, मेरा सवाल पंकज जी से. पंकज सर, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे. यो यो, धन्यवाद. और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सब यही चाहेंगे कि आप जैसा पिता और एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो. एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट हुई थी, थैंक यू. तो कैरेक्टर आपका दरवान था, छोटा सा कैरेक्टर था, और आज पूरी मूवी की दरवानी कर रहे हैं. सो ये कहना ठीक होगा उस टाइम आपको फुकरे की ज़रूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है. पंडित जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? पंडित जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में. वी फील वेरी सेफ दैट ही इज अवर दरबान, एंड आई थिंक एनी बडी हु वर्क्स विद हिम फील्स वेरी वेरी सेफ कि हाँ, पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है. एंड थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर दैट. और पार्ट वन भी पंडित के बिना नहीं बन सकती. मैं नहीं होता तो भोली से मिलवाता कौन इनको? करेक्ट, करेक्ट. हेलो इन सेंटर. हाय, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. ऋचा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फिल्में होती हैं जिनके सीक्वल्स भी इतने वर्क करते हैं, और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज़्यादा जो है प्यार ऑडियंस का मिलता है, और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ. जिस तरह से दोनों सीजन इतने अमेजिंग रहे, तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के, इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज़ है अभी तक? इट फील्स लाइक आई विल रिपीट माई सेल्फ, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी फिल्म अगर, जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट वन में लोगों को, आप मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट. मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट वन में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है, आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है, या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है. हम सब के मिल्यू, हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है. तो पहली बात तो वो. दूसरी बात, जब उन्होंने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता. हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें. तो मैं तो खुद ही भूल गई, चूचे तो ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में, पानी, मम्मी को पानी पीना था यार. चल ठीक है, कुछ तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत है, क्लीन कॉमेडी. हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है, तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो. और मैं तो ये भी कहूँगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी, और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नॉट टू क्रिएट नाइस मेमोरीज. थैंक यू. पंकज जी, आप कुछ इसमें एड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी जी, वो लोग पसंद करते हैं ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है. प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो एक ह्यूमर और कॉकनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे. इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगी जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत
ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है, तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, इंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और मिर्ग सर, जो इस फिल्म में भी है। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है और मंजोत जी से मेरा सवाल है। थैंक यू। मैं वेट ही कर रहा था कि मतलब आपका जो किरदार है वो पिक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा किरदार सबसे इम्पोर्टेंट? हाँ, लाइक सब आप पे डिपेंड है, सब आपसे आपको भाव दे रहे हैं। मेरे हिसाब से बता रही हूँ, पूछ रहे हो? नहीं नहीं, बता रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लगता है, थैंक यू। तो हाँ जी, फुकरे 1 2 3 मतलब कंटिन्यूटी में आप हैं, तो अपने रोल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? रोल के बारे में, यार आप सबने फुकरे देखे, नहीं नहीं ऑब्वियसली जब हम जाते हैं पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है ऑब्वियसली इस पर मेहनत करते हैं हम एंड सारे एक्टर्स करते हैं। और इस बार भी अभी आपने पूछा ना अभी कि ये फिल्म लोगों को क्यों पसंद आती है, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद आती है। थैंक यू, इसकी वजह से। आई लव यू ब्रदर, मंजोत जैसा कोई नहीं। पंकज जी से मेरा सवाल है कि हिंदी को आपने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, लाइक अमित जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके बाद आप हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जबकि आज के टाइम में डायलॉग भी इंग्लिश में लिख के दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे समाज में आप हिंदी को लेके इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं और आप हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब वो मेरा मेन था। हमने इस फिल्म में भी, मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी, मृग ने मुझे देवनागरी में ही दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है। हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं हम, हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी का ही जीते हैं। बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, पर हिंदी हमारी पहचान है। क्या बात है। हिंदी में कहते हुए आखिरी प्रश्न लेना चाहेंगे हम, हमारी अंतिम प्रश्न आपको, यू वांट द माइक? हाँ, एक सेकंड सर। वेरी काइंड ऑफ यू। सवाल मेरा डायरेक्टर साहब से है, मैं सिराज सैयद, इंडिया करेस्पॉन्डेंट, फिल्म फेस्टिवल्स .com। चार्ली चैपलिन सेड दैट समबडी स्लिपिंग ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉलिंग इन अ मैन होल इज नॉट कॉमेडी, ऑल्दो एट दैट टाइम दिस वॉज सपोज टू बी comedy. He says somebody walks, notices a manhole, does not fall in it, takes a step across, then slips on a banana skin and falls back into the manhole. That is comedy. Wow, kya baat. So one would like to know what is your definition of true comedy? Sir, वो चार्ली चैपलिन थे, इतना बोल गए, मैं तो इतना सोचता ही नहीं सर। मतलब भी जैसी ये फिल्म है, मतलब जब हम विपुल और मैं बैठते हैं लिखने, जब प्रोड्यूसर का आदेश आता है बनाने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, और हम बस बैठ के एक दूसरे से खाना क्या खाना है, क्या मंगवाएं आज, थोड़ा बहुत गाने इधर उधर के बातें, और बीच में एक दो लाइनें लिख लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है और फिर वो जाके हम सुना देते हैं। सो इसीलिए टाइम भी लगता है हमें, आप देखेंगे एक्चुअली 10 साल में 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ना ही देखिए, एक बहुत बढ़िया, एक बहुत
मानने वाली बात ये भी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी प्रेशर कभी नहीं आता कि फटाफट बनाओ. सो हमें टाइम मिलता है, हम बातें करते हैं, हम एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा, बकवास करते हैं काफ़ी आपस में एक दूसरे से. मुझे मालूम पड़ा ये चार साल कहाँ गए. मेहनत किया एक महीना. हाँ, तो वो फिर पेपर पे उतरता है, तो वही फिर हमें आपने आज स्क्रीन पे देखा अभी 2.5 मिनट के ट्रेलर में. एंड फिल्म भी ऐसे ही है, 2 फिल्में पहले आ चुकी हैं जिसमें आप देख चुके हैं. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कॉमेडी हर टाइप की होती है, स्लैपस्टिक भी होती है, डायलॉग बेस्ड भी होती है. जैसे अभी एक मैम ने कहा कि पंकज जी जैसे बोलते हैं वो लगता भी नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हैं, पर लोग फूट फूट के हंसते हैं. तो वो सिर्फ एक अपने अंदाज में एक लाइन भी बोल जाते हैं तो कॉमेडी वो भी होती है. तो आई थिंक हर फॉर्मेट है, एंड बस हम तो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस बाय द मीडिया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द आंसर्स एंड द पेशेंस. मैं अब फोटो ऑप हो, उससे पहले बस क्विकली इन लोगों को भी स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, जिनके लिए हमने पहले तालियां ऑलरेडी मार दी है, लेकिन वी आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू टू क्लैप. कैन यू प्लीज पुट अ हैंड्स अप टुगेदर फॉर अनिल थडानी सर, AA Films Distributor, for Vishal Ramchandani, the CEO, XL Entertainment, Kasim Jagbagia, co-producer, XL Entertainment, and Vipul Vig, the writer, the man creating these beautiful characters who stay with us forever. Can we continue to clap for the entire cast, crew, makers, madness, menace creators of Fukre 3? Can we clap once more for everyone who's there on stage from Fukre 3? Theater. Thank you everyone, including Pankaj sir, Manjot, along with Pulkit, Richa, Varun, Veena aunty, everyone. Thank you so much. Have a great evening. Watch the film on the 28th. Thank you to Prerna. Yes, you want to say something. 28th of September, please put this date on your calendar. Thank you, Prerna, and